অনিয়মে ভ্যাকসিন দেওয়াকে ঘিরে চিত্তরঞ্জনে বন্ধ ভ্যাকসিন প্রদান। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সঞ্জীব শাহী, ইন্দ্রজিৎ সিং, পিন্টু পাণ্ডে অভিযোগ করেন যে এই ভ্যাকসিন কখন এসেছে ও কতগুলি এসেছে, তাছাড়া কাদের কাদের এই ভ্যাকসিন প্রদান করা হবে, কোনো সরকারি বিভাগীয় পদে থাকা কাউকে কোনো প্রকার তথ্য দেওয়া হয়নি। তাছাড়া রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুসারে প্রথম ব্যবসায়ী সহ যানবাহন চালকদের ভ্যাকসিন প্রদান করার কথা, তবে তাদের ভ্যাকসিন দেওয়া কেন হচ্ছে না? আর কোনো রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই 18 থেকে 45 বছর বয়সী লোকজনেরা এমনভাবে জমায়েত হয়ে আছেন যে কোনো সময়ই সংক্রমণ ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে হাসপাতাল প্রশাসন নির্দিষ্ট কাউকে তথ্য না দিয়ে নিজেরাই নিজেদের মতো টিকাকরণ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা আজ হাসপাতালে গিয়ে ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ বন্ধ করে সরকারি নিয়ম মেনেই টিকা দেওয়ার দাবি জানাই। हम लोग यहाँ आए थे, हॉस्पिटल में जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइंस आया था जिसके तहत बोला गया था कि जो भी बाजार में जो जिनका दुकान है, दुकानदार है और उनके जो कर्मचारी है उनको और जो ट्रांसपोर्टर है, जो ऑटो ड्राइवर है, ट्रक चलाते हैं, जो भी है, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा 18 से लेकर 44 साल तक वालों को। लेकिन पिछले कई दिनों से हम लोग पास लगातार इसका शिकायत आ रहा था कि उनके नाम पे कुछ कर्मचारी के बच्चे, कुछ उनके परिवार के सदस्य वैक्सीनेशन करवा रहे थे। हम लोग उसको नज़रअंदाज किए जा रहे थे लगातार कि चलिए जो भी ले रहा है किसी को तो मिल रहा है। लेकिन कल शाम में 3 बजे के बाद जब सारा चितरंजन के लोग लॉकडाउन में अपने घरों में थे, उस समय यहाँ पर जब हम लोग यहाँ आते हैं, एक हमारा साथी का पत्नी का देहांत हुआ था, उस सिलसिले में आए हुए थे, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों लोगों का भीड़ लगा हुआ है। जब हमने सोचा कि यहाँ कोई दूसरा कार्यक्रम चल रहा होगा, लेकिन जब पता करने गए तो पता चलता है कि वहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है 18 से 44 साल के बच्चों तक का। ये चितरंजन में किसी लोगों के पास जानकारी नहीं थी, सिर्फ यहाँ पे एक यूनियन है, उसके खास करके जो उनके जो नेतागण हैं उनके बच्चों के लिए ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। आज हम इसी का डिमांड लेके हम आए हुए थे कि CMO के पास कि आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए। ऐसे जो लोग जो सिर्फ यूनियनबाजी यहाँ कर रहे हैं और लोगों को, चितरंजन के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रख रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। चित्तरंजन থেকে সৌমিত্র গাঙ্গুলী, রিপোর্ট টাইমস বাংলা।